अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू महर प्रोग्रामिंग क्लब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 को और 2016 को। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 का इंट्रोडक्शन भी करेंगे और 2016 का इंट्रोडक्शन भी करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास 2003 यूज़ कर रहे हैं तो उसका टोटल व्यू चेंज है अकॉर्डिंगली 2016 के, क्योंकि 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं वो सभी ऑलमोस्ट सेम हैं। उन सब में थोड़ी थोड़ी एडिंग्स हैं कुछ फंक्शंस की, कुछ टूल्स की, लेकिन 2003 और 2007 को अगर कंपेयर किया जाए तो वो टोटली आपस में डिफरेंट है उनका भी। तो मैं आज 2016 पे काम करूँगा ताकि जो एडवांस वर्जन पे यानी 2007 से ऑनवर्ड जिन वर्जन पे काम कर रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाए और जो 2003 पे काम कर रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाए। सो उसके लिए हम सबसे पहले 2016 ओपन करते हैं। मैं स्टार्ट पे जाता हूँ और एक्सेल मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे एक्सेल टाइप करता हूँ तो 2016 का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 ओपन हो गया है। इसे ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ थीम्स आ रहे हैं, इन थीम्स में ऑलरेडी बनी हुई शीट्स हैं जैसे कि पर्सनल मंथली बजट है, इसी तरह सीजनल फोटो कैलेंडर है, बियॉन्ड पाई चार्ट ट्यूटोरियल है एंड सो ओनली, डिफरेंट कैलेंडर्स बने हुए हैं या शीट्स बनी हुई हैं। अगर आपका जो भी काम आप करना चाह रहे हैं वो इन्हीं थीम्स में से कोई एक है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, वो ओपन हो जाएगा और आप उस पर अपना डाटा पुट करने के बाद उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हम ऑब्वियसली एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे। ये वर्कबुक को इसलिए वर्कबुक कहा जाता है क्योंकि इस वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स होती हैं, जैसे शीट वन है प्लस करता हूँ तो सी टू है, इसी तरह सी थ्री है, तो ये शीट्स इंसर्ट हो जाती हैं हमारे पास। हर शीट पे हम अपनी मर्जी का काम परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाएँ तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक टाइटल बार है जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है बुक वन और उसकी टाइप आ रही है एक्सेल। इस तरह यहाँ पे बटन हैं जो कि क्लोज है, मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है, इसी तरह यहाँ पे ये ऑप्शन है जो कि इस पूरे रिबन को, यहाँ पे आपको टूल दिख रहे हैं, इस पूरे रिबन को हाइड कर देगा, ये सिर्फ टैब के नाम शो करेगा और ये टैब्स और कमांड दोनों को शो करेगा जो कि इस वक्त एक्टिव है। अगर मैं इसको एक्टिव करता हूँ तो देखिए हमारे पास वो बार हाइड हो गई है। अगर मैं शो टैब्स करता हूँ तो सिर्फ टैब्स के नाम शो हो रहे हैं और कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर मैं दोनों पर क्लिक करता हूँ टैब्स एंड कमांड तो मुझे टैब्स के साथ साथ उनकी कमांड भी शो हो रही हैं। तो इस तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये एक ऑप्शन है जो कि स्पेसिंग को, कमांड के दरमियान स्पेसिंग को शो करता है। अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये टच मोड ऑन हो गया है। अगर मेरे पास टच स्क्रीन है तो मैं ये वाला मोड ऑन रखूँगा, तो मेरे पास माउस है तो मैं माउस वाला मोड ऑन रखूँगा। इस तरह हमारे पास ये अंडू और रीडू का ऑप्शन है, ये सेव का ऑप्शन है। जैसे मैं सेव का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ वो मुझसे पूछता है जी कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, नाम रखना चाहता हूँ SCHOOL और यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट का नाम चेंज हो गया, स्कूल आ गया यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर टाइप करता हूँ कंप्यूटर, और अब मैं एंटर कर देता हूँ, तो देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे कंप्यूटर टाइप नहीं करना था तो मैं अंडू कर देता हूँ तो वो अंडू हो गया। अगर दोबारा करना चाहता हूँ तो रीडू करूँगा तो दोबारा से आ जाएगा। यानी कोई भी कमांड आपसे गलती से अप्लाई हो गई है तो उसको अंडू करना चाहते हैं तो अंडू कर सकते हैं, और आपको लगता है कहीं वो सही था तो दोबारा रीडू भी कर सकते हैं। इसी तरह ये नीचे मेरे पास ऑप्शन हैं कुछ, ये टैब्स हैं, इन टैब के अगेंस्ट हर एक का अपना रिबन है और उस रिबन में डिफरेंट टूल्स हैं। जैसे फाइल का टैब है तो फाइल के टैब में आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं एंड इसी तरह फर्दर डिफरेंट टूल्स हैं। अगर आप बैक आएँ तो होम टैब है, होम टैब में भी डिफरेंट टूल्स हैं। जो क्लिपबोर्ड का ग्रुप है तो क्लिपबोर्ड के ग्रुप में क्लिपबोर्ड से रिलेवेंट टूल्स हैं। फॉन्ट का ग्रुप है तो फॉन्ट के रिलेवेंट टूल्स हैं। अलाइनमेंट का ग्रुप है तो अलाइनमेंट के रिलेवेंट टूल्स हैं। नंबर का ग्रुप है तो नंबर के रिलेवेंट टूल्स हैं। स्टाइल्स का ग्रुप है तो स्टाइल्स के रिलेवेंट टूल्स हैं। सेल्स का ग्रुप है तो सेल्स के रिलेवेंट टूल्स हैं। एडिटिंग का ग्रुप है तो एडिटिंग के रिलेवेंट टूल्स हैं। तो ये हमारे पास इंसर्ट टैब में जाएंगे तो इसका अपना रिबन है, इसके अंदर अपने ग्रुप्स हैं और टूल्स हैं। पेज लेआउट में अपने ग्रुप्स और टूल्स हैं, फार्मूलाज में अपने ग्रुप्स और टूल्स हैं, डेटा ही व्यू एंड व्यू, इन सब में अपने अपने टूल्स हैं। हर टूल का एक पर्टिकुलर पर्पज़ है। आगे जब हम एग्जांपल शीट लेंगे हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में हम कोई एक एग्जाम्पल शीट ले लेंगे
उस एग्जाम्पल सी पे काम करते हुए हम डिफरेंट टूल्स को डिस्कस भी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे ताकि हमारी अच्छी सी ट्रेनिंग हो जाए। इसी तरह अगर आपको कोई टूल नहीं नज़र आ रहा, आपको मिल नहीं रहा, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको वो पूछेगा, आप यहाँ पे कमांड का नाम लिखें। यदि आपको टूल नहीं मिल रहा तो आप उस टूल का जैसे यहाँ पे नाम लिखेंगे वो आपको बता देगा ये टूल कहाँ पे है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट अगर देखें तो ये हमारे पास नेम्स का बॉक्स है, सेल नेम बॉक्स है। इसमें जैसे हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो उसके कॉलम का नाम और उसकी रो का नाम मर्ज करके सेल का नाम बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे मैं इस सेल पे हूँ तो के इसका कॉलम का नाम है, सिक्स इसकी रो का नाम है, तो इसका नाम है K6। इसी तरह M7, तो इसी तरह H14, तो ये हमारे पास इसी तरह से सेल नेम्स बन गए। अगर हम यहाँ पे कुछ भी जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू और यहाँ पे 7 + 8 लिखता हूँ, देखिए तो यहाँ पे 15 आ रहा है। लेकिन ये फार्मूला बार किस लिए इस्तेमाल होती है? जैसे मैं 15 पे क्लिक करूँगा तो फार्मूला बार मुझे बताएगी कि इस सेल के बैकग्राउंड पे क्या डिटेल्स हैं, कौन सा फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है एंड सो ऑन। ये फर्दर डिटेल्स यहाँ पे बता रही है मुझे फार्मूला बार, और इसी तरह हर सेल के बारे में ये डिटेल्स शो करेगी फार्मूला बार। अगर मैं कुछ कैंसिल आउट करना चाहता हूँ ये कैंसिल के लिए है। अगर मैं यहाँ पे इसको एंटर करना चाहता हूँ यानी यहाँ पे जाके मैं कुछ एडिटिंग करता हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन लगा के हम 7 इसमें और प्लस कर देते हैं और फिर यहाँ पे एंटर का क्लिक करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह कोई फंक्शन और इंसर्ट करना है तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करूँगा तो फंक्शन के नाम आ जाएंगे। जैसे फंक्शन के नाम आ गए, जो भी फंक्शन मैंने सेलेक्ट करना है, जैसे काउंट है तो मुझे यहाँ पे डिटेल्स भी शो कर रहा है कि काउंट क्या करेगा एंड सो ऑन। इसी तरह मैक्स है तो मैक्स क्या करेगा एंड सो ऑन। अगर जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो फंक्शन का या फंक्शन को इंसर्ट करेंगे तो डिटेल डिस्कशन भी इसके बारे में करेंगे। इसी तरह आगे नीचे हमारे पास कॉलम नेम्स हैं ABCD एंड सो ऑन। इसी तरह रोज के नेम हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और नीचे हमारे पास सीट्स के नाम आ रहे हैं, सीट 1 है। मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूँगा तो रीनेम का ऑप्शन आ गया, इसका नाम यहाँ पे स्कूल रख देते हैं। और इसी तरह C2 है, मैं इसमें जिस तरह का काम करूँगा उस तरह भी इसका नाम रख दिया जाएगा। तो इस तरह मैं और भी शीट यहाँ पे प्लस का साइन यूज करके और भी शीट ले सकता हूँ। कोई शीट डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करके मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। इसी तरह नीचे मेरे पास स्क्रॉलिंग ऑप्शन हैं और ये व्यू के डिफरेंट ऑप्शन हैं। जिस व्यू में मुझे डॉक्यूमेंट अच्छा लग रहा है मैं उस व्यू में इसको चेंज कर सकता हूँ। जूम इन जूम आउट ऑप्शन हैं, मैं डॉक्यूमेंट को जूम इन भी कर सकता हूँ, जूम आउट भी कर सकता हूँ और देख सकता हूँ जिस व्यू में जूम इन व्यू में मुझे ठीक लग रहा है मैं उस व्यू में इसको सेट कर दूंगा। तो आई थिंक सो हम सारे फ्रंट एंड का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आगे जब हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल शीट्स लेके उस पे वर्किंग करेंगे तो डिफरेंट टूल्स के इस्तेमाल को भी डिस्कस किया जाएगा और उनके डिफरेंट एडवांस यूज को भी और बेसिक यूज दोनों को डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह हम अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 पे आते हैं। यहाँ पे एक्सेल दोबारा टाइप करते हैं, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 आ रहा है। मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है, गेटिंग स्टार्टेड, और इसमें ऑफिस ऑनलाइन का ऑप्शन है। अगर मुझे कोई टूल नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ पे सर्चिंग भी कर सकता हूँ उस बारे में, और ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है तो मैं ओपन पर क्लिक करके उसका पाथ दूंगा और पाथ देख मैं उसको ओपन भी कर सकता हूँ। इसी तरह कोई नई वर्कबुक क्रिएट करनी है तो नई वर्कबुक भी यहाँ पे बना सकता हूँ, और मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँ क्योंकि इससे मुझे कोई काम नहीं है इस वक्त। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और बुक 1 का ऑप्शन आ रहा है और ये बाई डिफॉल्ट बुक 1 इसका नाम रखा गया है। अगर मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, मैं जैसे सेव पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप का पाथ दे के मैं इसका नाम यहाँ पे SCH रख लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसका नाम SCH आ गया, पहले बुक 1 आ रहा था अब SCH आ गया। इसी तरह नीचे देखें तो हमारे पास मेन्यू बार है जहाँ पे डिफरेंट मेन्यूज हैं, हर मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शन हैं, जैसे डिफरेंट टूल्स कह सकते हैं आप इनको। जैसे परमिशन है जिसमें आप इस पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ओपन के ऑप्शन हैं, क्लोज के ऑप्शन हैं, यानी फाइल के रेलिवेंट जितने भी ऑप्शन हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। एडिट में एडिट के रेलिवेंट टूल्स आ रहे हैं, व्यू के अंदर व्यू के रेलिवेंट टूल्स आ रहे हैं, इंसर्ट के अंदर इंसर्ट के रेलिवेंट टूल्स आ रहे हैं, फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेटिंग के रेलिवेंट टूल्स आ रहे हैं। टूल्स में डिफरेंट टूल्स हैं,
डेटा में डेटा सॉर्टिंग के, डेटा फिल्टरिंग के डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं, और इसी तरह विंडो में विंडो के रेलिवेंट हैं, और हेल्प में हेल्प के रेलिवेंट डिफरेंट टूल्स हैं। टूल्स मेन्यू बार के नीचे बिल्कुल देखें तो ये टूल बार है जहाँ पे डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं, जैसे जैसे न्यू का टूल है, ओपन का टूल है, सेव का टूल है, या परमिशंस को ऐड कर सकते हैं आप, या डिफरेंट ये टूल्स हैं। अगर जब हम एग्जाम्पल शीट लेंगे तो एग्जाम्पल शीट में टूल हर टूल पे काम करेंगे तकरीबन, और उस पर काम करके रेलिवेंट उसका इंट्रोडक्शन भी देंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से टूल की प्रैक्टिस हो जाए। इसी तरह नीचे यहाँ पे नेम बॉक्स है जिसमें सेल का नेम है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे एस कॉलम नेम है और 12 रो नेम है, तो उसका नाम S12 आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला बार है, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी डिटेल्स शो करता हूँ, जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 8-4 और एंटर कर देता हूँ, तो ये 4 आ रहा है यहाँ पे। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो फॉर्मूला बार मुझे बताएगी कि बेसिकली इसमें 8-4 किया गया है, इस वजह से यहाँ पे 4 आ रहा है। इसी तरह नीचे देखें तो ये शीट हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 ऑनवर्ड, और जो स्क्रोलिंग बार है जो कि स्क्रोल करने के लिए यूज की जाती है, और लास्ट पे यहाँ पे रेडी का स्टेट आ रहा है, और ये जो बटन है ऊपर ये शीट्स के दरमियान स्विच करने के लिए प्रोवाइडेड है, और अभी रेडी की स्टेट शो कर रही है, तो इस वक्त मैं इस पर काम कर लेता हूँ। और आगे फर्दर हम जिस भी टूल पे काम करेंगे और जिस भी एग्जाम्पल शीट पे काम करेंगे, मैं उसके रेलिवेंट डिफरेंट टूल्स को अप्लाई करूँगा और उन टूल्स पे काम करते हुए हम डिफरेंट टूल्स के इंट्रोडक्शन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।